आपने माधव दास जी का चरित्र सुना होगा, अब सारे चरित्र तो नहीं कह पाएंगे, पर उसी बाग से ठाकुर जी चोरी किए थे कटहल। माधव दास बाबा रहते थे तो ठाकुर जी बोले उनसे कि भाई हमको कटहल पाना है। तो माधव दास जी ने कहा तो राजा को मैं बोल देता हूं, आपके तो भक्त हैं राजा, तो कटहल पक रहा है, जगन्नाथ बल्लभ निप बागा, पकहा कटहल गमकन लागा। तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी हट कर दिए माधव दास बाबा से, हमको कटहल खाना है। तो माधव दास बाबा जी कहे कि राजा से हम कह देते हैं कटहल भेज देगा, तो ठाकुर जी नाराज हो गए, बोले अपने से भेजे नहीं तो मांगन हम क्यों जाएं। राजा को अपने से अकल होनी चाहिए थी कि कटहल हमको प्रिय लगता है, कटहल बहुत प्रिय है, हमारे सुबल सखा दास जी पखा कटहल भेजते हैं वृंदावन, तो हम लोग सब ठाकुर जी को मंदिर में भेजते, कटहल बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि अपने से नहीं भेजा, अरे जब कटहल पक गया था तो अपने से सोचना चाहिए कि मंदिर 10-20 कटहल भेजे, भेजा नहीं अपने से तो मांगेंगे नहीं। तो माधव दास जी बोले ठाकुर जी को कि आपको कटहल भी पाना है और मांगने भी नहीं देंगे तो कैसे होगा। तो ठाकुर जी क्या बोले, मेरा मन हो रहा है जैसे गोकुल में माखन मिश्री चुरा के खाता था, जगन्नाथपुरी में कटहल चुरा के खाऊं। माधव दास जी हद हो गई, मांगने में तो शर्म आती है, चोरी में शर्म नहीं आए। तो ठाकुर जी क्या बोले, छूट न जाए कहीं मेरो यह बचपन को अभ्यास, राधे राधे छूट न जाए कहीं मेरो यह बचपन को अभ्यास, कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। तो क्या किया जाए। तो माधव दास जी से ठाकुर जी बोले कि भाई हमको तो चोरी करनी, तो चलो। तो तीनों भाई बहन ने आपस में बात कर ली चलेंगे। सुभद्रा जी ने कहा मैं तो तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी चोरी में, वहां पकड़ धकड़ भी हो सकती है, मार भी पड़ सकती है, लड़की की जात कहाँ जाए, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। तो भैयाओं ने कहा तू यहीं बैठ, हम लोग लेके आते। सुभद्रा जी ने कहा लाओ तो मेरे लिए भी ले आना। बोले चोरी हम करें और तुझे लेके आ गए। बोले नहीं मेरे लिए भी ले आना। तो माधव दास जी कंधे पे ठाकुर जी को बिठा लिए, एक कंधे में जगन्नाथ बैठ गए, एक में बलभद्र बैठ गए, लेके चले। अब वो राजा का बगीचा है, अब तो कितने मॉल बन गए, अतिक्रमण हो गया पर थोड़ा सा बगीचा भी बाकी, मठ तो है ही। तो कंधे पे चढ़ गए और फिर पहुंच गए, कटहल के पेड़ लगे थे। तो ठाकुर जी क्या बोले कि माधव दास तू चढ़ जाओ ऊपर, वो बेचारे बूढ़े महात्मा, उनको चढ़ा दिया ऊपर कटहल के पेड़ पे। दोनों भैया नीचे वो चढ़ गए और चाकू लेके गए थे तो एक कटहल अमनिया किया, नीचे गिरा दिया। अब दोनों भैया पाने लग गए, मैं पाऊं पहले मैं पाऊं, वही कटहल खोल के पाने लग गए। अब झगड़ा होने लगा तो माधव दास जी के झगड़ो मत। तो ठाकुर जी के दूसरा कटहल गिरा। तो दूसरा बड़ा कटहल जैसे अमनिया किया तो ठाकुर जी नीचे कटहल पा रहे थे तो गिराया, तो ठाकुर जी पकड़ नहीं पाए, वो जमीन पे धम्म से गिरा। तो धम्म से गिरा तो गए तो रात में थे, तो रखवाले माली थे, वो जाग गए। अब वो जाग गए कौन चोरी कर रहा है पका कटहल की, तो डंडा लेके भागे। तो ठाकुर तो भाग लिए, उनको तो भ्यास ही है भागने का। बेचारे माधव दास बाबा पकड़ में आ गए और रात का अंधेरा था, जान पाए नहीं, सबरे सेवक लोग जुट पड़े रहा माधव बाबा पे बैठ लेके रस्सी लेके। लगाए बहुत जोर की मार पीठ पे बैतों की बौछार, अब बोले कुछ नहीं, क्योंकि ठाकुर का नाम लू तो बदनामी होगी। आखिर में मालियों ने बांध लिया, पहचान पाए नहीं, रात का अंधेरा था, और राजा के पास लेके पहुंचे, सिर नीचा करके गुरु जी बंधे खड़े थे। तो बोले क्या हुआ। बोले महाराज आपके बगीचे में चोरी कर रहा था डोकरा बूढ़ा सागर। तो कौन है, देख अरे मेरे गुरु जी को पकड़ रहा है, माधव दास तो गुरु थे राजा के। तो मालियों को कहा मेरे गुरु जी को रस्सी में बांध लिया, हुआ क्या, किया क्या। अब तो बेचारे मालियों के नीचे तो पांव के नीचे धरती निकल गई, क्या होगा हमारा।
तब पूछी सब बात। तब माधव दास जी ने कहा, राजा वो ठाकुर जी को कटहल खाने की इच्छा हो रही थी, तो इसलिए ठाकुर जी हमसे ऐसा ऐसा बोले। तो बोले, गुरु जी हमको आज्ञा किए होते हम सब कटहल। बोले, मैंने तो कहा ठाकुर बोले अपने से भेजे नहीं तो हम क्यों मांगन जाए। तो कैसे? बोले, गोकुल माखन सर चोरी करके खाए। कहा कि हम चोरी कर... तो राजा इतने भाव भी हो गए, उसी दिन से पूरा बगीचा ठाकुर जी के नाम लिख दिए। तो जगन्नाथ वल्लभ मठ राजा की संपत्ति है बगीचा, तो अपनी सब संपत्ति सब लिख दिए नाम ठाकुर जी के। फिर अभी अतिक्रमण हो गया वहां, बहुत ज्यादा मॉल वॉल दुकानें बन गई, पर फिर भी जितना है उतना हम लोग दर्शन करेंगे। तो फिर मालियों ने बहुत मारा था तो उनको दंड, तो माधव दास जी को लगा मालियों को मृत्यु दंड देगा राजा। तो ग्रंथ में वर्णन है कि माफी तो करवाई और उनको कहा कि राजा इन मालियों को कुछ मत कहना, इन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, भाई चोर को पकड़ा तुम्हारे आगे लाए तो इनको क्या दंड दिया जाए। तो जगत श्री माधव दास बाबा राजा से बोले कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दो और इनको और जमीन दे दो। तो संत को मारने का लाभ मिला कि और जमीन मिल गई उन मालियों को, और तनख्वाह और राजा ने बढ़ा दी।